दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? मेरे अच्छे होंगे दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर हम हॉस्पिटल में पहुँच चुके हैं। रेखा वहाँ पर खड़े हैं। ये देखिए, रहा ड्रेसिंग का सामान, उनको भी ड्रेसिंग के लिए किया जाएगा। इसके बाद उनको छुट्टी मिलेगी। कुछ दवाई वगैरह सब लिखेंगे देख कर, चेक करके। तो मैं देखिए, कुछ जो जो जरूरी सामान था हम लोग लेके आ गए हैं। अब देखते हैं इसके आगे क्या डॉक्टर बोलते हैं, उसके अनुसार हम लोग छुट्टी मिलेगी। दवा ले ली है यहाँ पे, देख दवा मेरे डॉक्टर के पास आए थे। तो इधर हम लोग छुट्टी मिल गया, तो हम लोग दवा लेकर जा रहे हैं। फिर तो काउंटर पास पहुँचेंगे देखने के बाद। तो हम लोग छुट्टी मिल चुकी है। ये रहा दवाई वगैरह सब, छुट्टी का लिस्ट। तो कुछ और सामान लिस्ट जो है रेखा के पास है। देखिए दवाई वगैरह सब, तो दवा मैं ले ली हूँ। और रेखा का भी, यानी कि मेरी भाभी का ड्रेसिंग हो चुका है। और ड्रेसिंग बहुत अच्छा रहा, और ऑपरेशन भी बहुत अच्छा हुआ था। बहुत अच्छे से सब ठीक हो गया। तो टाँका भी सूख गया है। तो अब देखिए, अब कब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, कुछ और काम करवाना है। तो कराने के बाद देखिए, रहा काजू पत्र वगैरह सब, जो छुट्टी हम लोग मिल गई है। देखिए रेखा बहुत खुश है, ठीक हो गया, लग रहा है कहीं दौड़ने लग रही है कि मैं उठ गई का खुशी से। हाँ देखिए, उठ गई लगती है, खुशी से सो रही है। अच्छा देखिए, अभी मेरी बेबी भी सोई हुई है अभी। रेखा एक्साइटेड है, बहुत खुश हो गए। इनका ड्रेसिंग हो चुका है। और यहाँ देखिए, जो भी दवा वगैरह सब लाना था तो मैं जाकर लेके आ गई हूँ। और यहाँ देखिए, रहा दवा वगैरह सब, और ये रहा जो कागज पत्र वगैरह सब, पहले भी जो सब था, जैसे जैसे कागज का मैंने डिमांड होते गया, मैंने टेस्ट वगैरह सब का, ये देखिए वो सब इसमें है। हम लोग सब पैसा है दीदी, हाँ पैसा ही पैसा है, नहीं हाँ सब भंजवाना है, सिर्फ इसको रख लीजिए। अच्छा ये अभी जो दिए हैं, हाँ अभी दिए हैं, नाम वगैरह सब, और दवा का सब नाम है। दवा तो ले लिए हैं, अब देखिए कब तक तो छुट्टी होता है। छुट्टी तो ऐसा हो ही गया है, हम लोग के अब आने का देरी है। बाबू लोग सब आएंगे तब साथ में जाएंगे। खुश हो रहे हैं कि मैंने आए, हम लोग सब घर जा रहे हैं। शादी से छुट्टी मिल गया। यहाँ है भीड़ भाड़ का पूरा दम है। इतनी गर्मी यहाँ लग रही थी, गर्मी तो थोड़ी मच्छर बहुत लग रहा था। बेबी भी मस्ती से एकदम सोई हुई है एकदम। लगता है कहाँ आ गए हैं जैसा लगता है। बेबी नाम रखिएगा। नहीं, बेबी मतलब बच्चा होता है, बच्चा है वो। जैसे मिठाई वगैरह सब मांग रहे हैं, तो मैं उन्हें कुछ कुछ जो मैं बनता है मैं उसमें पैसा दे दे रही हूँ। उपाय कर रहे थे, देखिए हॉस्पिटल में आने के बाद ना हो जाता है, क्या बोले का करेगा। खुशी दे रहे हैं, देखिए ना, सब सुनिए ना, सुनिए ना, सबको ना देना। देखिए हम सब मोटी जुटी बनने लगे, पैकिंग शुरू हो गया है, जा रहे हैं। अब भाभी को छोड़ेंगे बोलना, अब हम लोग चल जाएंगे छोड़ के। सॉरी दोस्तों, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं अभी, अभी लेके छुट्टी तो हो गई है, पर अभी हम लोग भाभी को लेकर घर जाएंगे। जो भी वहाँ कार्यक्रम शुरू होगा, और जो भी फिर हम लोग अपने जो कार्यक्रम रहते हैं ना, खत्म कर लेंगे। इसके बाद हम लोग वहाँ से, मैं अपने घर देखा अपने घर जाएंगे। देखिए भाभी को घुमा रहे हैं अभी इधर, कब तक बाबू गाड़ी लेके आता है, इसके बाद ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे। छुट्टी तो हम लोग तो आधा घंटा पहले ही मिल चुकी है। अब देखिए कितने लगे हैं, उतना नहीं है अभी, वीकनेस बहुत है, कमजोरी बहुत है, और अभी ख्याल रखना भी है। कितना दिन के बाद कमजोरी बहुत है ना, पानी ब्लड सब गिर जाता है, बहुत। भीड़ वगैरह ये सब चल रही है, बहुत है, अभी सबको दिखाने के लिए आए हैं। बहुत भीड़ रहता है हॉस्पिटल में।
देखते हैं जाने के बाद कब प्लानिंग बनती है छठी का, है ना। चलो लेके बाबू आया है लेने सामान वामान। चलो उसको रहने दो बाबू, तब तक इसको भी और सामान डलाएगा। इसको लेके चलो, इसको न तो इसको लेके चलो, कोई लेके चलो। चलो हम लोग चले घर की ओर। देखिए मम्मी बेबी को ले लिए हैं, लड़का जा रहे हैं अच्छा से, कपड़ा इनका चेंज कर दिए हैं। वहाँ गेला के बाद घर भी गेला के बाद कपड़ा चेंज हो गए ही, बाबू गाड़ी लेकर आ गया है। जैसे लगा था अभी वो बोतल में पनिया होगा पानी, पीछे वाला में निकाल देना, डिब्बा में होगा। सॉरी खाली हवा रहने देना, रुकिएगा। देखिए यहाँ नानी जी मिल रहा है नेग मैया को, देखिए एकदम सोई हुई है। दादी भी चला, दादी पास, दादी इंतजार कर रहे हैं। तभी से उठा रहे हैं, बताइए उठो जल्दी उठो, चलो पहुंच गए बेटा, उठो उठे 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 उठे, हम लोग पहुंच गए। देखिए जल्दी उठिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। मम्मी जा रहे हैं, आएंगे बाद में छठे दिन, अभी टाइम है इसलिए उनको भी तैयारी करना होगा। देखिए यहाँ बेबी मेरे गोद में आ गई, पता नहीं इसको क्या हुआ, इतना सो रही है। देखिए गोलू का घर में स्वागत है, गोलू आपका घर में स्वागत है। बिट्टू नए नए घर में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ कने बैंग में है कि आपका नए घर में स्वागत है, स्वागत है। नया साल मुबारक हो आपके जो गहरे घर में पधारे। देखिए यहाँ भर रास्ता तो इस कुल बुलाते रह गए हैं, इनका यहाँ काम करता है, काम कम करके कम करके। अब बोलो दादा, बोलो दादा काम करके, उतना तो नहीं लेंगे। गुड इवनिंग दोस्तों अभी हो चुकी है शाम, और देखिए मैं हॉस्पिटल आने के बाद मैं नहा धोवा कर रेडी हो चुकी हूँ। और देखिए बहुत इतनी गर्मी लग रही थी दोस्तों, वहाँ पर लग रहा था मैं कितना दिन से नहाई नहीं हूँ, नहाती थी वहाँ पर भी, लेकिन हॉस्पिटल में जानते हैं कैसा पानी वगैरह रहता है, मुझे परपन नहीं लग रहा था, बहुत घिंघनाहट जैसा लग रहा था। तो मुझे मैं आने के बाद तुरंत फट से नहाई, इसके बाद मैं अंदर रूम में घुसी और खाना पीना खाओ के तब मैं आपसे मिल रही हूँ दोस्तों। तो मैं अभी दिखाती हूँ ना, पापा भी लिए हुए हैं मैया को, यानी दादाजी लगेंगे मैया को। देखिए दोस्तों आने के बाद देखिए इतना सब सारा कपड़ा था हॉस्पिटल का, तो हम लोग सारा कपड़ा मैं धोकर और नहा ली हूँ। हाँ मम्मी दोनों मिलकर धो दिए हैं। यहाँ देखिए यहाँ से वहाँ तक कपड़ा है, क्योंकि हॉस्पिटल का कपड़ा है तो दोस्तों हम लोग रख नहीं सकते हैं अंदर, और जितना सब कपड़ा वपड़ा सब धो कर जल्दी से हम लोग डाल लिए और
सूखते रहेगा रात तक या तो फिर सुबह भी सूख सकता है दोस्तों, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है हॉस्पिटल से आने के बाद ना जो आप कपड़ा रखते हैं वो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। मैं तो गेट बंद कर दे रही हूँ, मच्छर बहुत लग रहे हैं, गर्मी बहुत है। देखिए देखिए मैया को कपड़ा चेंज कर दिया, या देखिए अमेरिके अब तू बुला दो तो फोन अब टाइम नहीं मिलेगा मम्मी को, जितना हमसे बात करते थे हम लोग सबसे अब थोड़ा सा खाली समाचार लेंगे बाद रख देंगे, क्योंकि बेबी के आने के बाद थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, खास कर बेटी भाभी थोड़ा सा ऐसा स्थिति है तो थोड़ा सा देखते चलना उलना है। ये देखिए पापा इधर है, मैया मेरा नेक देले ले लिए। अभी घर में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, सब बहुत खुश हैं और बहुत अभी हंस रहे हैं सब कोई। हम लोग मैं यहाँ आई हूँ ना, कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, मम्मी लोग मैं और सब कोई। ये देखिए मेरा छोटा भाई ये दौड़ दौड़ के आ जा रही है मैया पास, बड़े दूर से तो मैं भिड़ चुकी हूँ किचन में खाना वगैरह सब बनाने के लिए, तो इसका मैं तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी, देखिए रहा भिंडी से मैं अच्छे से धो कर तो ये से पोछ ली हूँ, इधर मैं चढ़ा दी हूँ कुकर ताकि मैं दाल बना सकूँ। मूंग दाल खिलाएंगे भाभी को तो बहुत अच्छा लगेगा, और प्रेगनेंसी में मूंग दाल ही खाना चाहिए, जब ऑपरेशन होता है प्रेगनेंट ना तो उसके लिए मूंग दाल खाइए बहुत अच्छा रहता है, इसके अलावा कोई दाल उनको नहीं खाना है, तो मैं उनके लिए मूंग दाल बना दे रही हूँ क्योंकि ऑपरेशन है तो थोड़ा सा दिक्कत है अभी। और इधर खाना पीने की तैयारी करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ दोस्तों। मम्मी इधर देख देखिए क्या कर रहे हैं, अच्छा मम्मी बाहर गए हैं, इधर देखिए कैसा मौसम करके रखा है, तो देखिए मौसम कैसा करके रखा हुआ है। देखिए गंधारी साग देखिए कितना छोटा छोटा था, जब हम लोग रोपे थे मम्मी से रोपे थे तो बहुत छोटा छोटा था, देखिए एक सप्ताह में कितना बढ़ गया दोस्तों। हम लोग मंडे के दिन गए थे, मंडे दिन गए और हम लोग देखिए आज आए हैं, हम लोग करीब लगता है कि 5-6 दिन हो गया, तो हम लोग लग रहा है कि बहुत दिन से हम लोग कैद थे और कैद से छूट कर हम लोग यहाँ पे आए हैं, जैसा लग रहा था कि हॉस्पिटल में बहुत दिक्कत था दोस्तों, इतना दिक्कत था बहुत अच्छा नहीं लगता था, पर मैं क्या करूं कुछ तो करना ही पड़ता है ना। तो ठीक है मैं खाने की तैयारी करती हूँ दोस्तों, इसके बाद आपसे मिलती हूँ, और जल्दी बनाना उनाना है खाना वगैरह ऐसा, मैया को भी देखना है और भाभी कैसी हालत है तो उनको भी देख रेख करना रहता है, तो अभी देखती हूँ क्या क्या बना सकती हूँ जल्दी जल्दी, जो ईजी वही बना लूँगी क्योंकि मैं भी बहुत थकी हुई हूँ और हॉस्पिटल में तो सोने का टाइम नहीं मिलता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है वहाँ सोने के लिए भी, है ना, ये बेबी को सलाइए तो उनको उठा कर बैठाइए पकड़ के घुमाइए ये हो जाता है भाभी को भी, तो कुछ ना कुछ तो केयर करना पड़ता है ना दोस्तों। तो अभी खाना बनाने के बाद मैं जाकर जल्दी से एकदम सो जाऊंगी क्योंकि बहुत नींद आ रही है और सब थकावट बहुत लग रहा है। अभी तो मैया और भाभी भी लेटे हुए हैं रेस्ट कर रहे हैं, बना कर रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, तब तक मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक लेते हैं, बाय दोस्तों।